जब आप किसी फंक्शन में जाने वाले होते हैं तो आप कोई ड्रेस लेके आते हैं, लेकिन ड्रेस आपने पहन के देखी और आपको लगा कि थोड़ी सी टाइट है, थोड़ा सा टमी आपका बाहर निकला हुआ है, यानी थोड़ी सी आपको टाइट फील हो रही है ड्रेस पहन के, तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि यार क्या करूँ क्या करूँ, परेशान हो जाएंगे। लेकिन परेशान होने की दिक्कत नहीं, जो एक्सरसाइज आज आपको बताने जा रही हूँ बस वो एक्सरसाइज ध्यान से कर लेना और फिर आप अपनी ड्रेस में एकदम फिट बैठोगे, एकदम आपका टमी भी बाहर नहीं आएगा। जी हाँ, ऐसा वर्कआउट, अगर कोई ड्रेस आपको नहीं आती, कुछ दिन पहले आपने खरीदी थी लेकिन अभी वो टाइट हो गई है क्योंकि आपका बिजी रूटीन है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आपको एक काम करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है और जो एक्सरसाइज आपको बताने वाली हो इनको कर लेना है। फिर ऐसा होगा कि आपका पसीना आएगा और आपका फैट एकदम से बर्न होगा। एकदम से कहने का मतलब एक्सरसाइज का जो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा तो वो देखना, आपकी ड्रेस आपको एकदम फिट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थी टीम आपका स्वागत है। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो उन लोगों के लिए है जिनको किसी फंक्शन में जाना है और उनकी ड्रेस उनको टाइट हो रही है, यानी टाइट ड्रेस वालों के लिए है। अपनी ड्रेस में आप फिट होना चाहते हो, कोई ड्रेस आपको बहुत पसंद है लेकिन पहन नहीं पा रहे हो क्योंकि हल्का सा टमी आपको बाहर दिखने लगता है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आज की एक्सरसाइज आपके लिए है। इसके साथ ही खाने पीने का ध्यान रखो, ऑफिस में क्या खा रहे हो, ऐसे तो नहीं कि बार बार आप चिप्स खाए जा रहे हो, बार बार चाय कॉफी का सेवन कर रहे हो, कोई भी आपके सामने कुछ भी लाके रख देता है आप खाने लग जाते हो, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। आप अगर 3 मील खा रहे हैं दिन में तो अच्छे से बैठ के खाइए, पेट भर के खाइए और उसके अंदर क्या होना चाहिए उस चीज की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, आपका बेस्ट मील किस तरीके का होना चाहिए। इसके साथ ही अगर स्नैक्स भी खाना चाहते हो, कभी कभार भूख लग जाती है, तो एक काम करो कि अपने साथ फ्रूट रखो और जैसे चिप्स हो गए, टॉफी हो गई, तो इनको अपने बैग से उठा के बाहर फेंक दो, या फिर कोई आपको देने भी आता तो उसको बोलो कि मैं बच्चा नहीं हूँ, बच्चों की तरह खाऊंगा या खाऊंगी, ये चीज ध्यान रखना है। अगर आप जानना चाहते हो कि वेट लॉस के लिए सही डाइट क्या होनी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे विजिट कर सकते हो, और अगर आप अभी करते हो 1 महीने के अंदर अंदर तो आपको बेस्ट ऑफर भी मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे। तो आप जानते हैं एक्सरसाइज किस तरीके से आपको एक ही दिन में पतला कर सकती है आपके पसीने के थ्रू। देखो बहुत सारे लोग इसी बात पे कमेंट कर देगी कि ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम से कोई ड्रेस ऑन नहीं तो आपको आ जाएगी। देखो अक्सर हमारी बॉडी में पसीना भर जाता है और आपने देखा है हम अक्सर एसी का यूज करते रहते हैं, आप पसीना निकालते हो कभी नहीं निकालते, जरा सा पसीना आए गर्मियों में तभी आपकी हालत खराब हो जाती है, और आजकल देखो इतने फैन है, कूलर है, एसी आ गया तो आपको पसीना नहीं निकलने देते, उसकी वजह से भी आपका जो ब्लोटिंग इफेक्ट आने लगता है आपकी स्किन के ऊपर। फैट कम है लेकिन दिखाई ज्यादा दे रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, किसी ऐसे बंद कमरे में थोड़ा सा तो खुला रखना है जहां से हवा पास होती रहे, लेकिन काफी बंद रखना, फैन एसी सब बंद रखना है और उसमें एक्सरसाइज करनी है। जब आपका पसीना निकलेगा ना तो आप देखोगे कि आपका फैट कम है लेकिन दिख रहा ज्यादा था, जो आपकी ड्रेस नहीं आ रही वो आ जाएगी। तो जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं किस तरीके से आपने करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, देखो पहले मैं ही बता देती हूँ, आप इस तरीके से मैट के ऊपर लेटिए, ऐसे लेट जाइए। अब आपको क्या करना है, ऐसे नीज को उठा के उन पे हाथ रख लीजिए। अब आपको नीज को पकड़ के, या तो ऐसे पकड़ सकते हो कैसे भी, और आपको उठ जाना है, आप इजीली उठ सकते हो, ऐसे पकड़ के आप इजीली उठ सकते हो, लेकिन इसमें यही नहीं करना कि उठ गए तो ऐसे पकड़ के जब हम उठे, लेकिन लेग्स को सीधा कर दीजिए, स्ट्रेट कर दीजिए इस तरीके से, फिर से लेट जाइए, फिर से ऐसे स्ट्रेट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 गिनना नहीं है, थोड़ा सा आप होल्ड कर लो वही काफी है, इस तरीके से कम 5 रेपिटेशन कर लो वही काफी है पसीना निकालने के लिए। एक्सरसाइज और भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों बता रही हूँ, ये जल्दी से पसीना निकालेगी आपका, कम टाइम में जल्दी जो पसीना निकाले ये। इस तरीके से करना है, अगर आपसे ये नहीं हो पाती तो आप एक काम करो, इस तरीके से ऐसे रख लो, लेग्स को बेंड करके ही रख लो, स्ट्रेट नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं, ऐसे और ऐसे हाथों को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये इजी तरीके से आप होल्ड भी कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसे स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनको परेशानी होती है, तो आप ऐसा कर लो इस तरीके से, ये जल्दी से आपको पसीना निकालेगी, आप करके देख लेना।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाना है। अब आप क्या करेंगे इस पोजीशन में, ऐसे नी को ऊपर उठा लेंगे और होल्ड करके रखेंगे ऐसे कम से कम 10 सेकंड के लिए। ये भी बहुत जल्दी आपका पसीना निकाले क्योंकि पूरी बॉडी का आपने वेट लिया हुआ है अपने हाथों के ऊपर और अब सिर्फ और सिर्फ पैरों के ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा रिलैक्स कर लो और कम से कम 3 सेट जरूर करना 10-10 रेपिटेशन के। हो जाएगा आपसे, इजीली हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं है लेकिन पसीना निकाल देगी। अब आपने क्या करना है, इसी पोजीशन में ऐसे होल्ड रखना है और एक लेग को ऊपर उठा लो। तो चलिए काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब थोड़ा सा और रिस्की बना लिया है हमने एक्सरसाइज को, रिस्की नहीं थोड़ा सा और चैलेंजिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अमेजिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। आप ना एक्स्ट्रा जो पानी भरा हुआ था ना उसको रिलीज कर देंगे ये एक्सरसाइज करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, अब आप इस पोजीशन में आ जाइए ऐसे हल्का सा पीछे की तरफ ऐसे हो जाइए, एल्बो ऐसे टिका लीजिए और आपको पूरा लेटना नहीं है, इस पोजीशन में रहना है। अब आपको क्या करना है, अपनी दोनों लेग्स को इस तरह उठाना है और ऐसे ऐसे साइड में टच करना है बीच में और ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशल अगर आपको बैली फैट को कम करना है जल्दी से। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे साइड में टच करेंगे फिर मिलाएंगे इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं बैठ के। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा होल्ड रखना है इस पोजीशन में इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 तो आपने भी ऐसे ही कम से कम 30 रेपिटेशन के लिए होल्ड रखना है इस पोजीशन को, बहुत ही जल्दी पसीना निकलेगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से करते हैं। अब आप प्लैंक की पोजीशन में आ जाएंगे। प्लैंक की पोजीशन में भी हमें एक अलग तरीके से प्लैंक करना है, देखो कैसे। इस तरीके से आप प्लैंक की पोजीशन में आ गए, 30 सेकंड के लिए आप नॉर्मल प्लैंक को होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30 30 के बाद
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और बस बचती हमारी लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में आप इस तरीके से फिर से उल्टा लेट जाएंगे। ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको जल्दी से एक ही दिन में टमी को कम करना है। इस तरीके से लेटे ऐसे इस पोजीशन में, और एक साथ आपको सुपरमैन की पोजीशन में आना ऐसे, दोनों हाथों को भी उठाना है और लेग्स को भी ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपको एक काम करना है, जितने मैंने रेपिटेशन बताया सिर्फ और सिर्फ उतने ही नहीं करने, थोड़ा सा और बढ़ा के कर लेना है। कम से कम आधा घंटा का आपका वर्कआउट हो जाना चाहिए। उसके बीच में आधे घंटे तक नहीं रुकना है, रुकने का मतलब थोड़ा 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज खत्म नहीं करनी है। आधा घंटे का कर लो और फिर देखना, रिजल्ट देखना। आप अपनी ड्रेस आसानी से पहन सकते हो और खुश हो सकते हो। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पसीना निकल रहा है।